फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं लेकर आई हूँ धनु राशि फल मई मंथ के लिए। गाइस, मेरी ये रीडिंग मेरी पिछली वीडियो से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार मैं लेकर आई हूँ ओरेकल कार्ड्स। आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं मई मंथ के लिए, एंजल क्या मैसेज दे रही है, लव मैसेजेस आपकी पार्टनर की तरफ से, और क्या अफर्मेशन आपको देनी चाहिए मई मंथ में, जिससे कि हम आसानी से अपनी सक्सेस को पा सकें, सुरक्षित रह सकें। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो, और आप अपनी सन साइन बेसिस के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं धनु राशि पर मई मंथ के लिए। धनु राशि पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली। धनु राशि के लिए मई मंथ, ओके। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा कहूँगी कि मन में बहुत कुछ चल रहा है, तूफान सा चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है, नेगेटिविटी को पकड़ा हुआ है, और कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको दुगुना तिगुना मैनिफेस्टेशन भी दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाए जा रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये ही है, लेकिन आपको ओरेकल कार्ड्स ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप कहना चाहते हैं, जिससे भी चीज़ों को सॉर्ट आउट होती हैं, जो भी जिनसे भी आप जिस भी कारण से आपके नेगेटिव थॉट्स है, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपके काम हो, चाहे किसी की वजह से, तो प्लीज़ उनसे बात करिए और बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि बैलेंस करिए, बिना अपनी आंखों देखी पे विश्वास करिए, बिना जाने कि किसी ने आपके लिए क्या कहा अपनी राय मत बनाइए, और सब चीज़ों को सही करने के लिए उसको उसके डीप में जाना ज़रूरी होता है। अपने मन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती है, इस कारण कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि कोई रिलेशन आपका ऐसा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, और इसी की ही ओवर थिंकिंग कंटिन्यू आपके मन में चल रही है। तो प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम हुई है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको बात करना ज़रूरी है, आपको सोचना ज़रूरी है कि किस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो गलत तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जो कि किस तरह हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस है, तो प्लीज़ उनको चेक करिए और देखिए कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और उसको ठीक तरह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि सबसे पहले खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। आपके लिए ओरेकल कार्ड्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि सबसे फर्स्ट काम जो इंसान का होता है वो ये होता है कि हम खुद कैसे हील हों, हम खुद कैसे हैप्पी हों, चाहे हमारे मन से, हमारे दिल से, मतलब हर तरह से पहले खुद की हैप्पीनेस हमें नज़र आनी चाहिए, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ों के लिए सोचना चाहिए। तो मई मंथ में इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें उसे सॉर्ट आउट करें, खुद खुश कैसे रह सकते हैं वो तरीके ढूंढें, एंजॉय करें, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, जिस काम करने से खुशी मिलती है वो काम करें, और अपनी हीलिंग करें, सबसे पहले अपनी हीलिंग करें। कोई नया लव आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, या फिर जिसको आप चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन अच्छे से मैनिफेस्ट करें। कुछ मिस्टेक आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है धनु राशि के लिए। एंजल के मैसेजेस, या कट योर कोर्ड्स कार्ड मेरी हर रीडिंग में आया है इस बार। बहुत सारी ब्लेसिंग्स की लोगों को ज़रूरत है, ये दोनों कार्ड मेरी बहुत रीडिंग्स में इस बार आया है, जो कि मुझे यहाँ दिखा रहा है कि सब बहुत
पास्ट के पैटर्न्स को लेकर बैठ गए हैं, अपने ईगो को लेकर बैठ गए हैं, कोई भी कुछ ठीक नहीं करना चाह रहा है और कोई मन में फियर है, किसी से अटैचमेंट है, उसका डर है कि वो खो ना दे उस रिश्ते को या कुछ खो ना जाए मेरी लाइफ से, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये सिर्फ आप ही की में नहीं, बहुत से राशिफल में मुझे ये दिखा है। तो यहाँ पे देखो एसेंडेड मास्टर भी एंजल का मैसेज आया है कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, किसी अगर आपका कोई गुरु है तो उनकी राय आप जरूर लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, कुछ देर कुछ समय उनके साथ व्यतीत करिए, किसी भगवान को आप मानते हैं तो उनके सामने बैठकर कुछ समय उनके उनसे बात करिए, सेल्फ टॉक करिए, जिससे कि जो भी मन में ख्याल है वो आप किसी से कहकर और आप हल्के हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, अपने मन को ठीक कर सकते हो। आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है वो लिख सकते हैं और किसी भी मंदिर में या उसको रख सकते हैं या फिर फाड़ के फेंक सकते हैं। तो जो भी मन में जो भी चल रहा है वो सब जब हम किसी को कह देंगे तो वो सब नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं, एंजल आपको मैसेज दे रही है, और किसी से गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। देखते हैं लव मैसेजेस धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए लव मैसेजेस। ओके, यू आर ब्यूटिफुल, मैरिंग यू वॉज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर बहुत खुश है आपको पाकर, और आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि यू आर ब्यूटिफुल। जब सब चीज़ें ठीक है, बस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आप आपकी थॉट से परेशान हैं। जब हम किसी चीज़ को खुद की आंखों पे विश्वास, जब तक आपने अपनी आंखों से किसी चीज़ को नहीं देखा है, अपने कानों से नहीं सुना है, प्लीज़ ट्रस्ट मत करिए और जो भी मन में चल रहा है उसको क्लियर कर दीजिए। देखते हैं क्या अफर्मेशन धनु राशि को देना चाहिए। अफर्मेशन धनु राशि के लिए मे मंथ के लिए। I believe in myself. Yes, कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको 21 डेज तक डेली मॉर्निंग में ये अफर्मेशन देनी है, I believe in myself। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी ताकि आप इजीली इसको पढ़ सकें। और सेकंड है, I am wealthy in every area of my life। वाओ, ये दोनों अफर्मेशन आपके कार्ड्स को रेजोनेट करती है, शायद आपको इन दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो 21 डेज तक 21 टाइम्स आपको डेली मे मंथ में ये दोनों अफर्मेशन देनी है, ताकि आपका मे मंथ सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आप खुश रहें और जो आप चाहें वो आपको मिल जाए। तो गाइज, आपको रीडिंग कैसी लगी? ये थी आपकी रीडिंग, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।